हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं बेतिया संसदीय क्षेत्र के छपवा चौक पे। ये छपवा चौक का इलाका है और बेतिया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम यहाँ की जनता से करेंगे जन की बात, जानेंगे उनसे उनके मन की बात। हम जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनके वोट को प्रभावित कर रहे हैं, वो किसे अपना सांसद के तौर पे देखना चाहते हैं और किसे वो देश का अगला प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो चलिए छपवा की जनता से शुरू करते हैं जन की बात, जानते हैं उनके मन की बात। ये बताइए कि अभी जब वोटिंग होगी तो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? नरेंद्र मोदी मुद्दा है, दूसरा क्या चीज़ है, उन्हीं को देना है वोट। नरेंद्र मोदी मुद्दा है, उन्हीं को देना है वोट, नरेंद्र मोदी को। उनको क्यों देना चाहते हैं आप? अच्छा तरीका से काम करते हैं, सब किसी को अपना जो है अपना अच्छा तरीके से काम करते हैं, बस दूसरा क्या। ऐसा क्या काम किया है जो लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से काम? सबके सबका साथ सबका विकास ही उनका एक है। कह रहे कि सबका साथ कुछ लोगों का विकास? सबका विकास हुआ है। उनको तो कहा जाता है कि पूंजीपतियों की सरकार। नहीं, वैसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। गरीब गुरुआ का विकास हुआ है? सबका विकास हुआ है। आपका विकास हुआ है? हुआ है, हमारा भी विकास हुआ है और पूरा गांव का भी और सब पंचायत का भी विकास हुआ है। और जो अभी तक 60 साल में नहीं हुआ था वो तो 5 साल में मोदी जी करके दिखाए हैं। 60 साल में जो नहीं हुआ था 5 साल में मोदी जी करके दिखाए हैं। ऐसा क्या किए हैं? बहुत सा काम किए हैं, जैसे कि पहले शौचालय का जो प्रोत्साहन राशि का कितना बार लोग गाँव में भर भर कर ले गया, आज तक नहीं मिला तो वो भी मिला अभी इस साल में। अभी बहुत लोगों को नहीं मिला? अभी अब नहीं मिला होगा, अभी तो मिलेगा, वो तो सबका जो ये पास हो गया वो सब मिलेगा, अक्टूबर तक सबका मिल जाएगा। और जो है जो सड़क है, जल नल योजना है, ये सब कार्यक्रम अभी चल रहा है कार्यक्रम। ये बताइए कि जल नल योजना है वो तो नीतीश जी का जी, नीतीश जी और वो तो दोनों आदमी गठबंधन में ना है। डबल इंजन की सरकार है? डबल का नहीं है, अभी तो मोदी जी का अच्छा कार्यक्रम चला है 5 साल में, जो इतना दिन में हम लोग देखे भी नहीं है कौन कैसा किया। कांग्रेस चाहे जो भी है, जब ये लोग हैं लंटेम है चाहे जो भी है। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं सरकार को लेकर, मोदी जी के काम काज को कैसे देख रहे हैं? इसे जो हमारे जो हुआ था वहाँ कश्मीर में ही सब फौजी लोग को मार दिया गया, उनको जवाब पाकिस्तान को जवाब दिया, यही हमको अच्छा सब बहुत बढ़िया वाला। अगर हिंदुस्तान में है तो कोई मरता है तो कोई मोदी है और कोई नहीं। कह रहे कि एक चिड़िया भी नहीं मरी झूठ मूठ का चुनाव जीतने के लिए, वो अफवाह फैला रहा है। बोलने वाला पागल होगा, पागल होगा बोलने वाला, सुनने वाला पागल होगा। ऐसे तो हम लोग अपने नैनों से देखे, आंखों से मैंने अपने आँख से देखे। ये बताइए कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले मोदी जी को देशभक्ति चुनाव के वक्त में क्यों आ रहा है? अभी आम जनता जानती है, आम जनता जानती है जो अच्छा काम करेगा वही होता है। हमें के ऊपर डिपेंड है, हमें के ऊपर डिपेंड है। देशभक्ति की बातें क्यों कर रहे हैं हम, ये हमारा सवाल ही है। इसलिए कि अब मैंने मुँह तोड़ जवाब, कहीं भी आते हैं तो मुँह तोड़ जवाब देते, ऐसे प्रधानमंत्री आज तक ना हुआ था, ना होगा, ना कभी फ्यूचर में, नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। आप बताइए आपका वोट किसके साथ? मोदी का। मोदी के साथ जी। मोदी के साथ क्यों? ऐसा ही, ऐसे ही मोदी नाम ही काफ़ी है, मोदी के साथ काफ़ी है। आप बताइए। हम तो वोट देंगे जो विकास कार्य करेगा उसको वोट देंगे। कौन विकास कार्य कर? जो देश हित में विकास करेगा, भारतवर्ष को आगे तक लेके जाएगा उसको वोट देंगे। हम मोदी जी को और राहुल जी को थोड़ी देकर वोट देंगे, मोदी जी को राहुल जी को थोड़ी वोट देंगे, हमारे विकास चाहिए ना देश को। हम देश को जो विकास करेगा जीवन वाली। कौन कर रहा है विकास? तो दोनों में कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी के पीरियड में जैसे मोदी जी चल रहे हैं तो
विकास तो कोई नहीं किया अभी तक। सबका साथ सबका विकास हो रहा है? देखिए ना, सबका साथ हो रहा है ना सबका विकास हो रहा है, ठीक है। जुमलेबाजी हो रहा है, देश में जुमले चल रहे हैं और यही हो रहा है, और क्या हो रहा है, विकास कहाँ हो रहा है। तो अभी कह रहे हैं कि देशभक्ति राष्ट्रवाद प्रभावित कर रहा है आपको? देखिए, देशभक्ति तो किसी से हम सर्टिफिकेट ले नहीं सकते, हमारा कोई हक नहीं है। आप देशभक्त है तो आप देशभक्त है, हम देशभक्त हैं, हमारे पास देश में, हम ना किसी सर्टिफिकेट नहीं देना है ना किसी से लेना है। रह गई बात मोदी जी को अगर सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है, तो ये अलग बात है, हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है देशभक्ति के, यही बात है। मोदी जी कह रहा है कि देशभक्ति के नाम पर वोट कीजिए, देश की सुरक्षा के लिए वोट कीजिए, क्या आपको लगता है उससे आप प्रभावित हैं? देखिए, देश की सुरक्षा के लिए वोट करना है तो हम जवान को वोट करेंगे, अपने जवान को समर्थन में खड़े होंगे। हम हमारे जवान जो पुलवामा में अटैक हुआ उस पर शहीद हुए, तो हम उस शहीदों के साथ हैं, उनके परिवार वालों के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान वालों ने हमारे साथ ऐसे धोखाधड़ी कर रहे हैं, इनको करारा जवाब देनी चाहिए। हाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं कि घर में घुस के मार रहे हैं हम। कोई नहीं हुआ, ठीक है, ये अफवाह है, प्रोपेगेंडा है, सियासत के लिए, राजनीति के लिए, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, वोट लेने की कोशिश की गई है। आपका वोट किसके साथ है? हमारा वोट देखिए, हम ना राहुल गांधी के पक्ष में है ना उनके पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में। हम देखेंगे अभी देश हित में जो होगा उसके फैसले देंगे। आप सही बात कहने में क्यों डर रहे हैं? नहीं, सही बात कहने में डरते नहीं है। आप जैसे कि आजकल ऐसा ज़माना हो गया, मोदी जी का विरोध करना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, इतने खौफनाक हैं वो। जैसे मोदी जी का विरोध करना है, एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट मिल जाता है। आपके वोट को कौन सा मुद्दा है जो प्रभावित कर रहा है? हमको तो कुछ नहीं है, लेकिन हमको बहुत बेटर दिख रहा है नरेंद्र मोदी, क्योंकि मुझे ऐसा है कि जिनके पास घोटालों का सर्टिफिकेट है बहुत ज़्यादा, हर एक किसी के पास घोटाले का सर्टिफिकेट है, वो सबको एक हो गया अकेला मोदी जी से लड़ने के लिए। मोदी जी अकेले कहाँ हैं? 42 दल के साथ हैं, लेकिन वो अलग की बात है, लेकिन 42 दल उनके साथ तो समर्थन में नहीं ना, 42 दल तो उनके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये लोग तो एक दूसरे पर उनके ऊपर डिपेंड है ना बहुत ज़्यादा। क्या खूबी तो दिख रही है नरेंद्र मोदी में जो कि आप उनको वोट देना चाहते हैं? हमारे पास यही है कि अच्छा नेता है जो भी हैं, लेकिन विकास के काम किए हैं, हमको देखने तो बहुत किए हैं, जैसे शौचालय बनवाए हैं, बहुत सारा था। हम लोग ये गांव में था कि जब रोड पर निकलते थे तो चलना मुश्किल हो जाता था। आज इस डेट में नहीं है, आज के डेट में कहीं नहीं है। अगर ईमानदारी से बात कीजिए। हाँ, ईमानदारी से बोल रहे हैं, कहीं नहीं है। हाँ, रोड में नहीं है। हम लोग बहुत से गांव से होके आ रहे हैं, तो अभी तो अलग होगा तो नहीं बताएंगे, लेकिन हमारे गाँव की तरफ तो स्वच्छ हुआ है। आपका वोट किसके साथ? हमारा वोट मोदी जी के है। मोदी जी के साथ क्यों? वो सही काम कर रहे हैं। हाँ, ये कई लोग कह रहे हैं जुमलेबाजी कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सबसे बेटर है वो प्रधानमंत्री। किस तरह से बेटर है? काम सही सही दिखा रहे हैं। कौन सा काम किए? हर जगह नोटबंदी। अच्छे दिन आपके आए? जी, अच्छे दिन है। सबको वृद्धा पेंशन दिला रहे हैं, राशन का सुविधा है, बिजली का सुविधा है, पानी का सुविधा है, हर सुविधा दे रहे हैं। नोटबंदी से आपको कुछ फायदा हुआ है? जरूर फायदा हुआ है। क्या, किस तरह से फायदा हुआ आपको? जितना लोग काला धन रखा हुआ था उसको हटा दिए। कह कि एक रुपये का भी काला धन नहीं हटा ना? बहुत हट गया है, बहुत लोग तो नदी में फेंक दिया है। आप बताइए, आपका वोट किसके साथ? हम मोदी का वोट देंगे। हाँ, मोदी अच्छे आदमी है। हाँ, क्या है अच्छा मोदी जी में? बहुत विकास का काम करता है, झगड़ा दगदाल नहीं होता है, देश का रक्षा करता है। हाँ हाँ हाँ, वो जाति पार्टी का कोई भेदभाव नहीं है उसके पास। हम लोग यही जानते हैं कि मोदी अच्छे आदमी है, देश के लिए वो भलाई जरूर करेंगे, इसलिए हम लोग मोदी को वोट देंगे। आपका वोट? हमने के मोदी जी के वोट देंगे, हम दूसरा किसी को वोट? जी, सबसे बड़ी बात है सर, ठीक है सर, सबसे बड़ी बात है जो 15 साल लालू जी राज किए, कांग्रेस राज किया, कुछ नहीं विकास हुआ, सबसे बड़ी बात यह है। विकास के मुद्दा जब देखना है तो गांव और देहात में देखिए क्या विकास हुआ है, क्या विकास नहीं हुआ है।
ठीक है। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं जो मोदी जी का वोट क्यों दे रहे हैं, नोटबंदी जो हुआ आम पब्लिक का उससे कोई खराबी नहीं हुआ, जिसके पास नोट का बंडल था उसको हुआ खराबी, बाकी आम पब्लिक को कोई खराबी नहीं हुआ है। आम पब्लिक को अपना काम धंधा छोड़ के लाइन में लगना पड़ा? नहीं, कोई नहीं लगा हमारे यहाँ, पूछ लीजिए हमारे यहाँ कोई लाइन में नहीं लगा। ये सब जुमलेबाजी लोग दिखा रहा है, कांग्रेस वाले ने राजद नहीं जुमलेबाजी कर रहा है किसी तरह वोट लेने के लिए, दूसरा कोई बात नहीं है। हाँ, आम पब्लिक कोई नहीं हुआ है। ये बताइए, नोटबंदी से देश को फायदा हुआ? देश को फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है देश को। किस तरह से फायदा हुआ? हर तरह से फायदा हुआ है। हर तरह से किस तरह से? काले जॉन जो दाब कर रखे हुए थे वो सारे पानी में डाल दिए। आरबीआई कहती है कि जितने भी रुपये सर्कुलर में थे वो सब वापस आ गए, एक रुपया भी नहीं बचा, तो देश को कैसे फायदा हुआ? यार जाने आरबीआई को तो हम लोग नहीं जानते हैं, आरबीआई क्या बोल रही है या क्या नहीं बोल रही है। इसको तो आरबीआई ही चला रहा है ना, पैसा खजांची तो वही है। हाँ, जनता को सुख मन से कहने से नहीं होगा ना? ना ना, जनता को सुख सुविधा चाहिए, सबसे बड़ी बात है। तो सुख सुविधा मिल रहा है जनता? नोटबंदी की वजह से बहुत सारी बेरोजगारी हो गई। नहीं है बेरोजगार, बता लीजिए यहाँ कहीं है? हमारे सुगौली प्रखंड में, पूरे प्रखंड में घूम जाइए, कहीं बेरोजगारी नहीं है, कहीं बेरोजगारी नहीं है। ये सब जुमलेबाजी दिखाया जा रहा है। यहाँ जो बकरी चला था उसको कि क्या ये जाति का असर है? नहीं, कोई जाति का असर नहीं है हमारे यहाँ, कोई जाति का असर नहीं है, सिर्फ ये ओनली फोर है मोदी, दूसरा कोई नहीं है। हमारे यहाँ जाति का समीकरण है ही नहीं, जाति के समीकरण पे वोट नहीं होते हैं? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है बिल्कुल, दूसरा कोई नहीं है। आप यहाँ से नहीं, नहीं, आप हमारे यहाँ से बच्चा भी कर रहा नहीं है, नहीं है, कोई 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 कुछ नहीं है यहाँ, ओनली बीजेपी बस। सुगौली प्रखंड पे पूरा घूम जाइए, हमारे सुगौली प्रखंड में मोदी को वोट नहीं, हम लोग सिर्फ ओनली फोर जानते हैं मोदी को, बाकी किसी को नहीं जानते हैं। मोदी जी में ऐसा क्या है? क्या मोदी जी बताइए, सबसे 26 इंच का जो सीना बोले थे नू, वो करके दिखा दिया है, वास्तव में वो दिखा दिया है। की वोट लेने के लिए ऐसे कर रहे हैं, वोट लेने के लिए? जब बात है हमारे यहाँ, यही राजद का सरकार था, सबसे बड़ी बात है ये रोड का स्थिति देखे थे, आम पब्लिक से भी पूछ लिए, मोतिहारी का रास्ता देखे थे, रक्सौल का रास्ता देखे, इससे कितना परेशानी था। आज हमारे गांव में चलिए, और कहीं की बात नहीं कर रहे, आज हमारे गांव में चलिए, गली गली पक्की सड़क, पक्की पक्की नाली है। हर हर मोदी। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हाँ, नहीं मनसपती में आइए। हाँ, वहाँ पे गैस रिफिलिंग का जो है कि हम प्लांट लगवा रहे हैं। हाँ, बन रहा है, बन रहा है, कार्य शुरू हो गया है, कार्य शुरू हो गया है, आज से नहीं है, एक साल पहले से हुआ है, आज से नहीं हुआ है, एक साल पहले से काम हो रहा है उसका। विदेश नेपाल के लिए पाइपलाइन? नहीं 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 नहीं, सब जगह मिलेगा, हर जगह मिल रहा है। अभी भी गैस का प्लांट एचपी के सीएल के यहाँ बैठ रहा है, जाकर देख लीजिए, वहाँ यहाँ से 2 किलोमीटर है, नेपाल में जाएगा पहले, बिहार में होगा। देखिए, जुमलेबाजी करने से नहीं होता है, काम करने से होता है। तो सुना आपने छपवा की जनता की आवाज, छपवा की जनता के वोटों पे बस एक ही बोल है, वो है मोदी मोदी और मोदी। कैमरामैन नवनीत के साथ योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, छपवा बेतिया। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, यूट्यूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।